बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 17 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट जो होंगे उनको हम देखेंगे, और इंटीग्रेशन जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है उनको हम डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज 7.6 होगी उसको हमने वाइंड अप करना है, एंड आल्सो एक्सरसाइज नंबर 7.7 को भी हमने आज कम्प्लीटली वाइंड अप करना है। आज का हमारा टास्क एक्सरसाइज नंबर 7.6 और 7.7 को कम्प्लीट वाइंड अप करके आप आज अपने चैप्टर को कंप्लीट वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 17 में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगा। यही आपकी एक्सरसाइज 7.6 और 7.7 तक आपका ये कोर्स आउटलाइन में सिलेबस एग्जिस्टेबल था। तो कंटिन्यू करते हैं आर डी स्टूडेंट्स। और हाँ, सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा, जो आज के लेक्चर से रिलेटेड एप्लीकेशन होंगी एक्सरसाइज नंबर 7.6 की और 7.7 एक्सरसाइज की, वो आप सभी स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन, जो लेक्चर नंबर 17 है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल लिंक शेयर कर दिया जा रहा है, और आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो उसमें क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए अलाट किए गए हैं वो आप सभी स्टूडेंट ने अपने नोट्स के अंदर राइट कर लेने हैं, ठीक है। उनको अपने नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने डेरिवेटिव्स देखने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो वो हमने यहाँ पर ये राइट किए हुए हैं। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और इनके डेरिवेटिव्स आपने इंटरमीडिएट लेवल सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव में अंडरस्टैंड किए हुए हैं ऑलरेडी, और मैं यहाँ पर अगेन आपको रिवाइज कर रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये इक्वल है 1/1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। और ऐसे ही हमारे पास जो डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स का जो है, कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये इक्वल है -1/1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। और डेरिवेटिव जो है टेन इनवर्स एक्स का, ये इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो डेरिवेटिव कोसिकेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है ये इक्वल होगा -1/x इंटू एक्स स्केयर -1 का स्केयर रूट। और जो डेरिवेटिव सीकेंट इनवर्स एक्स का है ये इक्वल होगा 1/x इंटू एक्स स्केयर -1 इसका कंप्लीट स्केयर रूट। और फाइनली जो डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स का है ये इक्वल होगा -1/1 प्लस एक्स स्केयर, ठीक है। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। ये हमने डेरिवेटिव्स को अंडरस्टैंड किया, और इनको हम एक्सरसाइज में परफॉर्म करना सीखेंगे जो आपके एक्सरसाइज में इन्वॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो यूज होगा वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, यानी साइन कोस टेन और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, इनके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो इंटीग्रेशंस हैं यहाँ पर राइट की हैं मैंने, और ये भी आपको इंटरमीडिएट लेवल सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन वहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को आपके टीचर्स ने आपको इंटरमीडिएट क्लासेस में अंडरस्टैंड करवाई हुई हैं, और मैं आपको अगेन ये रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ये हमारा जो एक्सरसाइज 7.6 और 7.7 को परफॉर्म करना इजी हो जाए आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो ये आपके पास फर्स्ट इंटीग्रेशन है साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है, यानी कि साइन एक्स जो इंटीग्रेशन डी एक्स के लिहाज से इक्वल होगा, साइन की इंटीग्रेशन ऑलवेज इक्वल होती है माइनस कॉस एक्स के, ये मैंने लिखा हुआ है। साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ऐसी कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होगा, कॉस की इंटीग्रेशन ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ऐसी जो सीकेंट स्केयर एक्स की जो इंटीग्रेशन है, यानी इंटीग्रेशन सीकेंट स्केयर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होगा,
secant square x की इंटीग्रेशन ऑलवेज इक्वल टू tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. और जो फोर्थ है हमारे पास रिजल्ट, इंटीग्रेशन secant x tan x इंटू dx, secant x tan x की जो कंबाइन इंटीग्रेशन फॉर्म है ये इक्वल होगी secant ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन जो फिफ्थ है cosecant x एंड cot x, इसकी जो कंबाइन फॉर्म इंटीग्रेशन होगी ये इक्वल होगी माइनस cosecant x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. और जो सिक्स इंटीग्रेशन आपके पास है, इंटीग्रेशन cosecant square x इंटू डी एक्स, cosecant square x की जो इंटीग्रेशन होती है इक्वल माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ये टोटल सिक्स इंटीग्रेशन आपको माइंड में रहने चाहिए, आपको ओरली आनी चाहिए, ताकि हमने एक्सरसाइज में इनको परफॉर्म करना है. और जो आपको डेरिवेटिव मैंने सिक्स अंडरस्टैंड अभी करवाए, और साथ में टोटल सिक्स इंटीग्रेशंस, टोटल ये 12 आपको फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड होने चाहिए और आपको ओरली परफॉर्म करने आने चाहिए, और आपने इनको माइंड में रखना है और इनके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है. तो ये हम नेक्स्ट ऑनवर्ड अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे हैं. एक्सरसाइज नंबर 7.6 एक्सरसाइज, जो आपके कोर्स आउटलाइन में क्वेश्चन अलर्ट हैं, जो आपके कोर्स आउटलाइंस में एग्जिस्टेबल हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और आप सभी स्टूडेंट जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे. परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 85 to 90. जस्ट आपने यही क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं, 85 से 90 क्वेश्चंस, ठीक है. और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने परफॉर्म किए हुए हैं, और जो क्वेश्चन स्किप होंगे वो पीडीएफ फाइल लिंक जो शेयर किया जा रहा है वो आपने उनको डाउनलोड कर लेना है, और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं आपने उनको नोट्स में राइट कर लेना है, ठीक है. तो कंटिन्यू करते हैं आरडी स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 85, इनडेफिनेट इंटीग्रल 1 ओवर टेन इनवर्स वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई. यहाँ पर हमने जब इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ पर आप ज़रा गौर करिएगा कि जो आपके पास ये डिनोमिनेटर में पार्ट पड़ा होगा ना टेन इनवर्स वाई के साथ 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ये एक्चुअली टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव पड़ा हुआ. अगर आप ये 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर को कंबाइन कर लें, तो इस 1 प्लस वाई स्क्वेयर को आप बटे से ऊपर यानी न्यूमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो वो बटे में आ जाएगा. ये देखें 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ये मैं न्यूमिनेटर में लिख दिया, ये जो है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर, इसको मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिया हुआ है, ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है. तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर के बटे के ऊपर है, और ये आपने डिवीजन लगाई, और डिवीजन के नीचे आपने ओनली ऑन डिनोमिनेटर में रहने देना है, जस्ट ओनली ऑन टेन इनवर्स वाई. ये देखें टेन इनवर्स वाई के बटे के नीचे लिख दिया हुआ है, और जो इसकी इंटीग्रेशन है और ये जो डेरिवेटिव फॉर्म, ये हमने एज इट इज लिख देना होता है. जस्ट हमने अब इस पर वर्क करना है. अब ज़रा आप गौर कर रहे हैं कि बटे के जो नीचे टेन इनवर्स वाई है, इसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर बन चुका हुआ है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर. हमने इसको बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग चेकआउट करना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए क्या ये वाकई बात ट्रू है कि बट्टे के नीचे अगर कोई वैल्यू का कोई वेरिएबल फॉर्म के लिहाज से डेरिवेटिव बट्टे के ऊपर पड़ा हो, तो हम उसे कुछ एक इंटीग्रेशन का नेम असाइन कर सकते हैं. तो हमने ये बात बनानी है, ठीक है, क्रिएट करनी है. तो बट्टे के नीचे अगर कोई भी वेरिएबल का डेरिवेटिव बटे के ऊपर बन जाए, तो हम उसे एलएन फॉर्म में लिखते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फॉर्म में. तो ये हमने टास्क करना है कंप्लीट. इसे हमने कह दिया कोई नंबर वन. अब हम करने लगे हैं जो बटे के नीचे टेन इनवर्स वाई है, इसको हम लेट कर लेंगे यू के इक्वल. लेट यू इक्वल टेन इनवर्स वाई. तो अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई. जब हमने वाई डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स को यानी कि y के लिहाज से करना है, तो u का जो डेरिवेटिव होगा वो du by dy आ जाएगा, और यहाँ से आ जाना 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर. ये देखिए नेक्स्ट टर्म में, बल्कि मैंने साइड पे सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है, तो du ओवर dy इक्वल होगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो dy है इसके बटे में था, तो जब इधर बटे में होगा, इधर जब आप दूसरी साइड पे लेके आओगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाना है. तो फाइनली मैंने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, du इक्वल है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू dy. अब ये देखिए बन चुका है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसकी जगह हम लिख देंगे डी यू, और जो बटे के नीचे टेन इनवर्स वाई है, इसकी जगह हम लिख देंगे यू. तो देखें देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इंप्लाइज दैट ये क्वेश्चन नंबर 1 है. इनडेफिनेट इंटीग्रल डी यू बटे में यू आ जाएगा. अब आप देखें ये जो बटे के नीचे यू है, इसका डेरीवेटिव बटे के ऊपर यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे यू को एल एन फॉर्म में,
ऑब्वियसली हम इस यू को एल एन फॉर्म में, नेचुरल लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जो बटे के नीचे वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर एग्जिस्ट है, पड़ा हुआ है, सो हम इसको यू को एल एन लिख देते हैं। तो एल एन यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आपने इस यू की वैल्यू को पुट कर देना है, यहाँ पर यू की वैल्यू क्या आ रही है, यू की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की हुई है, वो है टेन इनवर्स वाई। तो हमने यू की जगह इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देना है, तो यू की वैल्यू रिटर्न करने पे आपको क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स वाई। सो एल एन इंटू टेन इनवर्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपके पास है, डेफिनेट इंटीग्रल टू स्केयर रूट एंड टू, लोअर लिमिट टू स्केयर रूट एंड अपर लिमिट टू, और न्यूमरेटर में आपके पास है सीकेंट स्केयर इंटू सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स के माइनस वन का स्केयर रूट है इंटू डी एक्स, इसे हमने कह दिया क्वेरी नंबर वन। अब आप जरा गौर करिएगा, ये जो ब्रैकेट में सीकेंट स्केयर के ब्रैकेट में सीकेंट इनवर्स एक्स जो आ रहा है इसका डेरिवेटिव बर्थडे के नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, हम इसकी शेप क्रिएट करेंगे, यानी ये ऐसे है सीकेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बना हुआ है वन ओवर एक्स इंटू एक्स के माइनस वन का स्केयर रूट। तो इसको हम सोल्व करते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में क्लियरेंस हो जाएगा। तो लेट किया, ये जो है ना सीकेंट इनवर्स एक्स, इसको मैं लेट करने लगा हूँ यू के इक्वल, सब्स्टिट्यूट कर दिया है मैंने, लेट यू इक्वल सीकेंट इनवर्स एक्स। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन वेरिएबल है आपके पास एक्स वेरिएबल, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा यू को डिफ्रेंशिएट एक्स के जरिए किया तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स को दूसरी साइड पर ले जाएं तो डी यू इक्वल सीकेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्केयर रूट और साथ में ये डी एक्स, ठीक है। अब हमने इसकी लिमिट्स को भी फॉलो करना है, तो लोअर लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, टू स्केयर रूट, एक्स की जगह आप टू स्केयर रूट यहाँ पे रख के देखें, यहाँ पर एक्स की जगह टू स्केयर रूट रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा यू इज इक्वल सीकेंट इनवर्स टू स्केयर रूट, और सीकेंट इनवर्स टू स्केयर रूट आपके पास आप जानते हैं कि वो पाई बाय 445 डिग्री होगा, ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या आया पाई बाय 4, ये देखें वही लिखा हुआ है मैंने u इज इक्वल टू पाई बाय 4, और अपर लिमिट आपके पास है x इज इक्वल टू 2, तो आप जब x की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आएगा u इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2, और सीकेंट इनवर्स 2 आप जानते हैं सभी स्टूडेंट ये 60 डिग्री पे आएगा यानी पाई बाय 3, वही मैंने लिखा हुआ है u इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है, देयरफॉर क्वेरी नंबर 1 इंप्लाइज दैट, तो डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट टू स्केयर रूट की जगह पाई बाय 4 और अपर लिमिट 2 की जगह आपके पास पाई बाय 3 और सीकेंट स्केयर इनटू सीकेंट इनवर्स एक्स की जगह यू आ जाएगा और साथ में था 1 ओवर एक्स इंटू एक्स के माइनस 1 का स्केयर रूट उसकी जगह आ जाएगा डी यू, ठीक है। तो अब हमने सीकेंट स्केयर यू पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, सीकेंट स्केयर यू की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेन यू, और जो इसकी लिमिट्स हैं लोअर लिमिट आपके पास पाई बाय 4 है, अपर लिमिट आपके पास पाई बाय 3 है। अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, तो टेन इंटू यू की जगह अपर लिमिट आप पाई बाय 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 4 आपने यू की जगह पुट कर देनी है, ये आ जाएगा टेन पाई बाय 4, तो टेन पाई बाय 4 टेन पाई बाय 3 आपके पास टेन 60 डिग्री होता है, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं सभी स्टूडेंट्स, टेबल आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, टेबल आपको ओरली याद है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर क्लास में टेबल आपको याद करवाया गया है। तो tan 60 डिग्री इक्वल होता है 3 स्केयर रूट माइनस tan 45 डिग्री, ठीक है, पाई बाय 4 आपके पास 45 डिग्री होता है, तो tan पाई बाय 4 क्या होगा, tan 45 डिग्री क्या होता है 1, ठीक है, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल 1 ओवर एक्स के रूट इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, तो टेन इनवर्स एक्स के रूट ब्रैकेट यानी कि स्केयर में लिखना है प्लस 9, ये जो टेन इनवर्स एक्स के रूट है ये स्केयर में है प्लस 9 सेपरेट है ब्रैकेट स्केयर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब हमने ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल का ये जो इतना फंक्शन आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 89 में, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो इसमें स्केयर में आ रहा है ना ये वाला टेन इनवर्स एक्स के रूट, इसको हम लेट कर लेते हैं यू, तो लेट सब्स्टिट्यूट किया यू इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स के रूट। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल, गिवन वेरिएबल आपको देखें यहाँ पर सभी में एक्स आ रहा है, एक्स इन्वॉल्व है,
तो आपने x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब u को डिफ्रेंशिएट x के जरिए करेंगे तो ये डी यू इक्वल होगा टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस x के रूट का स्केयर आएगा मल्टीप्लाई जो आपने टेन इनवर्स का डेरिवेटिव अप्लाई किया उसका जो एंगल होगा, एंगल यहाँ पे क्या है x के रूट आगे x के रूट का डेरिवेटिव d बाई डी एस इंटू x के रूट। फिर आपने इसको सोल्व करना है 1 ओवर 1 प्लस ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया ओनली ऑन x रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x मल्टीप्लाई। जब आपने x के रूट का डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो पावर शुरू में पावर में से एक कम 1 ओवर 2 इंटू x की पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 वो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2। अब जिसकी पावर आप कम कर रहे हैं यानी कि x की पावर कम कर रहे हैं आगे x का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव आगे 1 आएगा। फिर आपने इसको रीअरेंज करना है तो 1 ओवर ये जब आप x की पावर माइनस 1 ओवर 2 बट्टे में ले गया होगे तो ये x की पावर प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा और ये हो जाना 1 ओवर 2 एक्स के रूट। ये देखें 1 ओवर 2 एक्स स्केयर रूट और ये जो साथ में 1 प्लस एक्स ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया हुआ है। ठीक है तो ये आपके पास डी यू इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स के रूट इंटू 1 प्लस एक्स। उसके बाद जो आपने ये क्वेरी नंबर 1 कहा हुआ है उसमें ये 2 नहीं आ रहा एक्स के रूट इंटू 1 प्लस एक्स के साथ तो ये 2 को मैंने दूसरी साइड पे यानी कि 2 को डी यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 2 डी यू 2 के साथ डी यू को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल हो जाएगा 1 ओवर एक्स के रूट इंटू 1 प्लस एक्स। ये देखें एक्स के रूट इंटू 1 प्लस एक्स। अब हमें क्वेरी नंबर 1 में पुट कर देना है इन वैल्यूज़ को इंटीग्रेशन 1 ओवर टेन इनवर्स एक्स की जगह हमने पुट कर दिया यू यू का स्केयर प्लस 9 और जो इसके अलावा रिजल्ट था ना ये वाला 1 ओवर एक्स के रूट इंटू 1 प्लस एक्स इसके साथ ना यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ना डी एक्स लिख दीजिएगा सभी स्टूडेंट ये जो आ रहा है ना यहाँ पर डी एक्स यहाँ पर लिखना है आपने यहाँ पर डी एक्स आएगा यहाँ पर डी एक्स आना है। ठीक है जैसे ये डी यू लिखा हुआ है यहाँ पर डी एक्स आना है तो आप सभी स्टूडेंट लिख दीजिएगा डी एक्स। तो ये जो इतना रिजल्ट होगा ना 1 ओवर एक्स के रूट इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इसकी जगह है ना 2 डी यू वही मैंने लिखा हुआ है 2 डी यू। उसके बाद ये जो 2 है ना ये इनडेफिनेट डिग्री इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ये लिख दिया 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर यू स्केयर को लिख दिया यू की पावर 2 प्लस 9 को लिख दिया 3 की पावर 2 इंटू डी यू। अब यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन जो अप्लाई हो रही है वो मैंने आपको अबव इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन 1 ओवर यू का स्केयर प्लस यहाँ पर 3 का स्केयर यहाँ पर 3 क्या है कॉन्स्टेंट ये एक्चुअली आपको ये जो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan का है tan इनवर्स का ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। तो ये 2 एज इट इज रहेगा तो यहाँ पर आना है 1 ओवर 3 tan इनवर्स u ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे था इंटीग्रेशन 1 ओवर u स्केयर प्लस a स्केयर इंटू डी यू ये इक्वल था 1 ओवर a इंटू टेन इनवर्स u ओवर a प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। ये जो मैं a बोल रहा हूँ a कॉन्स्टेंट है यहाँ पर कॉन्स्टेंट की जगह क्या यूज़ हुआ है 3 तो जो ये मैंने फॉर्मूला बोला है आप उस a की जगह 3 पुट कर दें तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है यानी कि 1 बाई 3 इंटू टेन इनवर्स u ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c और ये जो 2 है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये एज इट इज़ आ गया 1 बाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है और ये साथ में ये रिजल्ट बन जाएगा यानी कि इसकी इंटीग्रेशन जो है आपके पास इसके इक्वल होती है। ठीक है उसके बाद आपने यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्टेप बनाना है इसके लिए क्या करना है यहाँ पर जस्ट ओनली ऑन u की वैल्यू को रिटर्न कर देना है तो आपका ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। u की वैल्यू आपके पास क्या है tan इनवर्स x के रूट ये देखिए मैंने वही राइट की हुई है tan इनवर्स x के रूट और बाकी ये कंप्लीट रिजल्ट ये आप दे सकते हैं एज इट इज़ है 2 बाई 3 tan इनवर्स इंटू यू की वैल्यू tan इनवर्स x के रूट बटे में 3 आ गई प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये आपके पास एक्सरसाइज 7.6 के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट वाइंड अप हो गए हैं। अब हम 7.7 की तरफ जाएंगे और 7.7 के जो है ना फॉर्मूलाज वो मैंने पहले राइट किए हैं फिर हम एक्सरसाइज 7.7 की तरफ जाएंगे। तो ये हैं इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.7 इसमें जो यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो होंगे हाइपरबोलिक फॉर्म में और हमने हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को सोल्व करना सीखना है। ठीक है तो ये भी वैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 3 में अंडरस्टैंड किए हुए हैं
हम इसको फिर अगेन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका जो सिलेबस प्रीवियस हमने जो पढ़ा भी है अपने सेकेंडरी क्लास में, तो अगर वो जो स्टूडेंट भूल भी गए हैं तो आपको अपने बीएस में अंडरस्टैंड होना चाहिए, कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब तक आपकी बेस नहीं बनेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग चीज़ों का नहीं होगा, आपके स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप अपने न्यू स्टेप कभी भी नहीं बना सकते। ये आप कभी ना सोचें कि आपको पीछे सब चीज़ें आती हैं, सब कुछ आपको करना आता है। जब तक आप अपनी बेसिक चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ों को आप अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप अपने न्यू स्टेप कभी ज़िंदगी नहीं बना सकते। इसलिए आप सभी स्टूडेंट अपनी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है उनको अंडरस्टैंड रखा करें, उनसे अपने टच रहा करें। प्रीवियस लेक्चर से ही हम अगले लेक्चर पे मूव करते हैं। जब पिछली बात आएगी तो आपको अगली बात कंप्लीट अंडरस्टैंड होगी। हमेशा याद रखिएगा, पिछले लेक्चर से अगली बात जुड़ी होती है, अटैच्ड होती है। आप पिछली बात को अंडरस्टैंड किया करें, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होनी चाहिए, आपको सभी बातें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम कंटिन्यू करते हैं हाइपरबॉलिक फॉर्म की इंटीग्रेशन जो है साइन हाइपरबॉलिक एक्स। साइन हाइपरबॉलिक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो भी हमें यहाँ पर जस्ट हमने तो इंटीग्रेशन ही देखनी है, डेरिवेटिव भी हैं वो आपने अभी यहाँ पर तो नहीं करने, तो जस्ट हम इंटीग्रेशन देखने लगे हैं। इंटीग्रेशन जो है साइन हाइपरबॉलिक एक्स इंटू डी एस जो है ये आपके पास होता है इक्वल कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है इक्वल साइन हाइपरबॉलिक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी के इक्वल होती है। सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है टेन हाइपरबॉलिक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और जो सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स टेन हाइपरबॉलिक एक्स इसकी जो कंबाइन इंटीग्रेशन होती है ये इक्वल है माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स और कॉट हाइपरबॉलिक एक्स जो इसकी कंबाइन इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है माइनस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। और लास्ट जो आपके पास है कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है माइनस कॉट हाइपरबॉलिक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये मैंने कुछ एक्सपेंशन भी राइट की हुई हैं जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास में एक्सपेंशन अंडरस्टैंड की हुई हैं चैप्टर नंबर वन में, फर्स्ट ईयर क्लास, बल्कि फर्स्ट ईयर क्लास नहीं, ये सेकंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर वन लिमिट्स है उसमें आती हैं एक्सपेंशंस क्या होती हैं। ये चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज 1.1 में आता है सेकंड ईयर क्लास के अंदर। ये मैंने वही राइट की हुई हैं जो आपके एक्सरसाइज 7.7 में यूज़ होंगी। सम यूजफुल हाइपरबॉलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन ई स्मॉल ई, नेवर से कैपिटल ई। कभी भी आपने एक्सपेंशन को कैपिटल ई का नाम नहीं देना, हमेशा एक्सपेंशन स्मॉल ई में होती है, ठीक है। सम यूजफुल हाइपरबॉलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज एक्सपेंशन स्मॉल ई एज फॉर्म। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेंशंस हैं, एमसीक्यू के बारे से भी पूछी जा सकती हैं। साइन हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की जो एक्सपेंशन है इक्वल होगी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। टेन हाइपरबॉलिक एक्स की जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स की जो एक्सपेंशन होती है, कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स की जो एक्सपेंशन इक्वल होती है वो आपके पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स की रेसिप्रोकल फॉर्म होती है। इसी को उल्टा आगे लिख दें तो कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो टू ओवर ई की पावर, टू ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, देख लें इसी का मैंने रेसिप्रोकल ये लिख दिया हुआ है। सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स जो है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का रेसिप्रोकल होता है। ये जो फॉर्मूला है इसी को मैं उल्टा आगे लिख दूंगा, रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा टू ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया, ये इसका रेसिप्रोकल हमने ये राइट कर दिया। तो कॉट हाइपरबॉलिक एक्स जो है ये आपके पास रेसिप्रोकल होता है टेन हाइपरबॉलिक एक्स का। ये जो एक्सपेंशन है इसको हम उल्टा आगे लिख देंगे तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, यानी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक हो गया। इनको हम एक्सरसाइज 7.7 में यूज करना सीखेंगे, और जो आपके कोर्स आउटलाइन में क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए अलर्ट हैं वही मैंने मेंशन किए हैं, और आपने इन्हीं क्वेश्चन को अपने नोट्स में राइट कर लेना है। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक क्वेश्चन नंबर 41 to 50, जस्ट आपने यही क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं 41 से 50। तो
इसे जो है ना क्वेश्चन नंबर 41 से 50 मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो इस लेक्चर में एग्जिस्ट हैं, और जो रह गए हैं वो आपको पीडीएफ फाइल लिंक है उसी के अंदर पढ़े होंगे, आपने उनको डाउनलोड कर लेना है उस फाइल को, पीडीएफ फाइल को, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में पढ़े होंगे। तो वो जो क्वेश्चन स्किप हैं वो आपको करने हैं खुद से, और अनसोल्व इसी से, इस लेक्चर से रिलेटेड होंगे, और आपने अच्छे अंदाज में उनको परफॉर्म भी करना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंटीग्रेशन साइन हाइपरबॉलिक एक्स ओवर 5 इंटू डी एक्स, इसे हमने कह देना है कोई नंबर 1। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ये साइन हाइपरबॉलिक के साथ जो भी होगा उसको आप लेट कर लें, लेट यू इक्वल एक्स ओवर 5, ये जो है एक्स ओवर 5 इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है यू के इक्वल। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल एक्स, तो ये आ जाएगा डी यू इज इक्वल एक्स ओवर 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/5 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम इसे परफॉर्म करने लगे हैं, देखें यहाँ पर हमें डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स के साथ ये 1/5 है, दूसरी साइड पे जाकर ये जो 5 बटे में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डी यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये बन गया 5 dU इज इक्वल टू डी एक्स। अब हम मूव करने लगे हैं, देयरफॉर कोई नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन साइन हाइपरबॉलिक एक्स ओवर 5 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स ओवर 5 की वैल्यू आ जाएगी यू, ये देखें साइन हाइपरबॉलिक के साथ एक्स ओवर 5 की वैल्यू आ गई यू, मल्टीप्लाई डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखें डी एक्स की वैल्यू आपके पास इक्वल है 5 dU, देखें ये डी एक्स की कीमत मैंने पुट कर दी हुई है 5 dU ब्रैकेट में, आपने ब्रैकेट लगानी है, नहीं तो ऐसे आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप ब्रैकेट राइट करोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। अब यहाँ पर ना ये जो 5 है ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आपके इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो ये हमने लिखा इक्वल 5 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, साइन हाइपरबॉलिक यू, ठीक है, और साथ में ये जो डी यू है ये साथ में एज इट इज। अब हमें इसके पे इंटीग्रेशन लगानी है, साइन हाइपरबॉलिक यू की जो इंटीग्रेशन होगी क्या होगी भला, दिस इज नोन एज कॉस हाइपरबॉलिक यू, जो हमने अभी अंडरस्टैंड की है, ठीक है, साइन हाइपरबॉलिक यू की जो इंटीग्रेशन है तो ये इक्वल होती है कॉस हाइपरबॉलिक यू प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से। अब हमने यहाँ पर यू की वैल्यू को पुट कर देना, यू की वैल्यू क्या होगी एक्स ओवर 5 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से, यानी यू की वैल्यू हमने रिटर्न करनी है जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इंटीग्रेशन 4 कॉस हाइपरबॉलिक 3x माइनस ln 2 इंटू डी एक्स, इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अब कॉस हाइपरबॉलिक के साथ देखें ब्रैकेट में क्या आ रहा है 3x माइनस ln 2, हमने इसे सब्स्टिट्यूट करना है u के लिए, लेट कर लिया u इक्वल 3x माइनस ln 2। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल x, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी यू, यानी यू को डिफ्रेंशिएट एक्स के जरिए किया, तो डी यू इक्वल 3x माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 और ln 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0 3, यानी 3 dx, तो ये u इज इक्वल 3x माइनस ln 2 का डेरिवेटिव आ गया du इक्वल 3 dx। उसके बाद हमें यहाँ से dx चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है dx के साथ, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 इंटू du इक्वल dx, ठीक है, ये आ जाएगा स्टेप। उसके बाद हमने कोई नंबर 1 में चले जाना है, कोई नंबर 1 की तरफ चलते हैं, तो इंटीग्रेशन ये देखें 4 cos hyperbolic 3x माइनस ln 2 की जगह ये जो ब्रैकेट वाला है इसकी जगह u आ जाएगा, और इस dx की जगह है ना 1/3 du, ये देखें 4 cos hyperbolic ये u आ गया और साथ में dx की जगह 1/3 du आ गया। उसके बाद ये 1/3 और ये जो 4 है ये आपका कॉन्स्टेंट है, 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया 4/3 हो गया, 4/3 जो होगा ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 4/3 इंटीग्रेशन cos hyperbolic u du। अब आपको आइडिया है, अंडरस्टैंड है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं cos hyperbolic u की जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होगी sin hyperbolic u, ठीक है, तो 4/3 इंटू साइन हाइपरबॉलिक यू प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब हमने u की वैल्यू को रिटर्न कर देना है, u की वैल्यू किसके इक्वल है 3x माइनस ln 2, ठीक है, तो ये फाइनली आंसर आ गया 4/3 इंटू साइन हाइपरबॉलिक 3x माइनस ln 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है इंटीग्रेशन cot हाइपरबॉलिक थीटा बाय 3√ इंटू डी थीटा, इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अब देखें cot हाइपरबॉलिक के साथ आपके पास क्या आ रहा है थीटा ओवर 3√, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, लेट u इक्वल थीटा ओवर 3√। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो ये आ जाएगा डी यू इक्वल वन ओवर थ्री स्केयर रूट इन टू डी थीटा, ठीक है। उसके बाद हमें डी थीटा चाहिए ओनली ऑन, ये वन ओवर थ्री स्केयर रूट है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया थ्री स्केयर रूट इन टू डी यू इज इक्वल टू डी थीटा। अब इसे मूव करना है, इसको पुट करना है क्वेश्चन नंबर वन में, देयर फोर क्वेश्चन नंबर वन इम्प्लाइज डैट, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉट हाइपरबोलिक, ये थीटा ओवर थ्री स्केयर रूट की वैल्यू यू आ गई, मल्टीप्लाई डी थीटा की कीमत आपके पास थ्री स्केयर रूट डी यू आ गई। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर थ्री स्केयर रूट आपके पास कॉन्स्टेंट है, थ्री स्केयर रूट को आपने इंटीग्रेशन से बाहर ले आना है, तो ये आ गया थ्री स्केयर रूट इंटीग्रेशन कॉट हाइपरबोलिक यू डी यू। अब यहाँ पर आपने कॉट हाइपरबोलिक को ओपन करना है, कॉट हाइपरबोलिक को आप लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक यू ओवर साइन हाइपरबोलिक यू, ठीक है। जो कॉट हाइपरबोलिक यू ये इसके इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक यू ओवर साइन हाइपरबोलिक यू के, ठीक है। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, न्यूमरेटर में आपके पास है कॉस हाइपरबोलिक यू, डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन हाइपरबोलिक यू, ठीक है। अब आप ज़रा गौर करें, साइन हाइपरबोलिक यू जो बटे के नीचे है इसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर पड़ा हुआ है, बटे के ऊपर ये कॉस हाइपरबोलिक यू पड़ा हुआ है, साइन हाइपरबोलिक यू का डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक यू के इक्वल होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल का डेरिवेटिव बटे के नीचे बटे के ऊपर पड़ा हो, यानी कि बटे के नीचे जो वेरिएबल पड़ा है इसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर अगर मौजूद है तो हम नीचे वाली रकम को एल एन में लिख सकते हैं। तो ये देखें एल एन साइन हाइपरबोलिक यू मैंने लिख दिया हुआ है, तो ये थ्री स्केयर रूट एज इट इज एल एन साइन हाइपरबोलिक यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हमने यू की वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई करवाना है, यहाँ पर आपने साइन हाइपरबोलिक यू की जो वैल्यू है ना एक्सपेंशन फॉर्म में ये आपने पुट करनी है, तो साइन हाइपरबोलिक यू आपके पास इक्वल हो जाएगा ई की पावर यू माइनस ई की पावर माइनस यू ओवर टू, और ये थ्री स्केयर रूट एल एन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन एज इट इज आ गए, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक यू की वैल्यू को पुट किया है, अब आपने यहाँ पर जो यू की वैल्यू है वो रिटर्न कर देनी है, थ्री स्केयर रूट एल एन ई की पावर यू की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है थ्री थीटा ओवर थ्री स्केयर रूट माइनस ई की पावर माइनस यू की वैल्यू क्या है थीटा ओवर थ्री स्केयर रूट, ठीक है। तो ये बन गया माइनस ई की पावर माइनस थीटा ओवर थ्री स्केयर रूट ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये है इंटीग्रेशन कोसेकेंट हाइपरबोलिक एल एन टी, कोसेकेंट हाइपरबोलिक एल एन टी इंटू कॉट हाइपरबोलिक एल एन टी ओवर होल ओवर टी इंटू डी टी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीअरेंज प्ले करना है, ये जो बट्टे के नीचे टी आ रहा है ना इसको आप सेपरेटली ये लिख दें वन ओवर टी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये जो बट्टे के ऊपर वाला है इसको हमने ऐसी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये जो बट्टे वाला है ना टी इसको हम लिख देना है वन ओवर टी, ये हमने साइड पे लिख दिया वन ओवर टी, ये अभी भी बटे में ही है वन ओवर टी इंटू डी टी, इसको हम कह देते हैं अब क्वेश्चन नंबर वन। अब यहाँ से हमने करना है इसको लेट आपने करना है, देखें कोसेकेंट हाइपरबोलिक और कॉट हाइपरबोलिक के साथ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट में आ रहा है ओनली ऑन एल एन टी, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो एल एन टी को हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है यू के इक्वल, सो लेट U इक्वल एल एन टी, अब डिफ्रेंशिएट आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल क्या आ रहा है टी आ रहा है, तो अब हम इसे टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा U इक्वल एल एन टी का डेरिवेटिव डी यू इक्वल टी का डेरिवेटिव वन ओवर टी इंटू डी टी, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर वन में पुटिंग कर देनी है, इंटीग्रेशन कोसेकेंट हाइपरबोलिक एल एन टी की कीमत यू आ गई, कॉट हाइपरबोलिक एल एन टी की कीमत यू आ गई, और यहाँ पर वन ओवर टी डी टी था इसकी जगह डी यू आ जाएगा, ये देख सकते हैं वन ओवर टी डी टी की जगह डी यू बन गया। अब हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये वाली इंटीग्रेशन कोसेकेंट हाइपरबोलिक यू एल कॉट हाइपरबोलिक यू इंटू डी यू, ये आपका इंटीग्रेशन इक्वल है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हमने यहाँ पर ओनली ऑन एक काम ये करना है, ये जो u की वैल्यू है आपने इसको रिटर्न कर देना है, u की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है ln t के, ये देखें ये मैंने ln t यहाँ पे राइट कर दिया है, बाकी कंप्लीट स्टेप ये आपका एज इट इज़ है। तो माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक u प्लस कॉन्स्टेंट c जो है ये इक्वल हो जाएगा माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक u की वैल्यू ln t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आर योर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अगर फिर भी किसी टाइम में किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप सभी स्टूडेंट को अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स,
दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।